बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं राशिद अशरफ टेक। आज की वीडियो में हम अगेन बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं भाइयों को डिटेल के साथ बताऊंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। चले बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। मैं भाइयों को दिखाता हूँ कि एक भाई के साथ मैंने पहले भी अकाउंट रिकवर करके दिए, इसके भी साथ ये एक इशू है और ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह है। इसको करना है कि जैसे हम होस्ट एंड गेस्ट को ओपन करने के लिए अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं, वहाँ पर आप रॉन्ग तरीके से कुछ स्टेप मिस कर देते हैं या गलत तरीके से अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके अकाउंट के साथ ये। मैं इधर सबसे पहले इसे करता हूँ, नंबर देता हूँ। जैसे मैं नंबर दूंगा, नंबर पर है अकाउंट तो नंबर पर लॉगिन करूंगा। जैसे ये मेरे पास लॉगिन होगा, आप चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, वो कहेंगे अपील अगेन, यानी कि अकाउंट को रिकवर करना है। तो रिकवर कैसे करना है, इधर आपने ये लाजमी करना है वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये 2 से 3 बार ट्राई लेता है। सम टाइम ये सही भी हो तो ये रॉन्ग कर देता है कैप्चर वगैरह। तो क्लियर करने के बाद मेरे पास कोड आ गया, मैंने इधर कोड अप्लाई कर दिया। कोड अप्लाई करने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं अपील नोट पास, ठीक है। आगे अपील नोट पास वी रिव्यू योर अकाउंट वगैरह। तो अब हमने इसको क्या करना है, रिसबमिट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, वो वाली डेट ऑफ बर्थ जिस पर जो कि आपके आईडी कार्ड पर है, ठीक है। आपने वही अप्लाई करनी है जिसका आईडी कार्ड है उसकी। फिर इधर आपने क्या करना है, हमने कंट्री सेलेक्ट करनी है। हम अपनी कंट्री प्यारी पाकिस्तान, यानी कि अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स टाइप आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आपका। मेरे पास आईडी कार्ड है तो मैं आईडी कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। तो आईडी कार्ड पर करने के बाद आपने पिक किस तरह से लेनी है कि आपके आईडी कार्ड के चारों कोनों क्लियर आए, ब्लर ना आए और बिल्कुल साफ तौर पर जब वो जूम करके चेक करें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ हर चीज वाजे तौर पर नजर आए, ये आप चेक कर लें। बिल्कुल इसी तरह आपने ये पिक लेनी है, ऊपर आप ये चेक कर ले बी डी एन क्यू सी क्यू। ये जैसे कि मैंने पिक ले ली, पिक लेने के बाद यहाँ पर अब अपने अप्लाई करना, नीचे आपने अपनी ईमेल देनी है, ठीक है। आपने ईमेल देनी है तो ये 3 दिन लेंगे, 3 दिन के अंदर अंदर आपका ये जो स्टेप है ये वेरीफाई होकर आ जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट रीओपन हो जाएगा, ठीक है। नीचे आप लोगों ने क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जब हम होस्ट एंड गेस्ट को ओपन करने के लिए अपील करते हैं वो सेम है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने आईडी कार्ड और साथ में कोड देना होता है। जब हम रिसबमिट करते हैं या फिर किसी के पास इस तरह का इंटरफेस आता है जो के ऊपर कोड का आया था और किसी के पास मुख्तलिफ किस्म का आता है, यानी कि दूसरे तरीके का। तो भी अगर आप रीड करेंगे तो तीसरी लाइन पर लिखा होगा कोड, सी ओ डी ई कोड के आगे 600 का कोड लिखा होगा। बिल्कुल आप यही मिस्टेक करते हैं, आप ये कोड नहीं देते। जब तक आप ये कोड नहीं देते तो ये आपका अकाउंट कैसे वेरीफाई करे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।